राज्यसभा में उस समय काफी हंगामा हुआ जब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, आरएसएस के इशारे पर सरकार ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर ताकि रही। दोनों सदनों के बैकवर्ड क्लासेस के एमपीज कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस गवर्नमेंट ने ये किया कि उस बैकवर्ड क्लास कमीशन को तो खत्म कर दिया और उसकी जगह एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास कमीशन एक का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये इतनी बड़ी साजिश है, सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हिंदुस्तान की आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं कि इसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज को उससे बाहर लाना चाहते हैं। ये अन्याय करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। खत्म हुई थी, जब शुरू हुआ था ये, उस वक्त ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी गई थी, इसलिए ये जो और चीजें जोड़ी गई हैं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य दूसरा है। आपने देखा होगा कई बार जहां से ये गाइड होते हैं वहां उनके हेड जो हैं वो कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। ये आरक्षण को बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की एक साजिश है और कुछ कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं थोड़ी सी पढ़ लिख गई हैं, कुछ नौकरी में हैं, कुछ पॉलिटिक्स में हैं। उन कम्युनिटीज को चाहे वो यादव चाहे इस पहले के चरणबद्ध तरीके से यादवों को, कुर्मियों को, गुजरों को, लोधियों को और मौर्याओं, इन कुशवाहों को, इनको धीरे धीरे बैकवर्ड कम्युनिटी से बाहर लाने की ये साजिश है। इसके अंतर्गत ये लाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और किसान सारे